हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट डायपर्स वो डिस्कस करने वाली हूं मेरे पास एक कमेंट आया था कि आ, बेबी का डायपर एक्चुअली में कब हमें चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि जब हम डायपर खरीदते हैं कोई अच्छे क्वालिटी का तो उस पर लिखा रहता है कि अप टू ट्वेल्व आवर्स मतलब उसकी सोकिंग कैपेसिटी बारह घंटे तक की है फिर कोई कोई बोलते हैं कि चार घंटे में डायपर चेंज कर दो तो ये कन्फ्यूजन ये लिटरली ये कन्फ्यूजन मेरे पास भी था जब मैं नई मॉम थी तब मुझे भी ये लगता था कि दो दो बातें कैसे एक साथ चल पाएंगी तो फिर जब मैंने यूज किया जब मैंने समझा तो फिर मुझे इसका कंक्लूजन मिल गया था बट सिमिलर क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा तो मुझे अपने दिन याद आ गया और आज उसी का आंसर मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूं कि आपको किस फ्रीक्वेंसी से और कब डायपर जो है वो चेंज करते रहना चाहिए तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ओके okay, तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज इस चैनल पे हम इस टाइप के वीडियोस पेरेंटिंग प्रेगनेंसी बेबी केयर रिलेटेड सब कुछ शेयर करते हैं तो जो आपके लिए यूजफुल होंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके एंड आप वीडियो वॉच कर सके तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं डायपर आपको कब चेंज करते रहना चाहिए तो देखिए डायपर पर लिखा रहता है कि बारह घंटे तक अब्जॉर्ब करके रखेगा वो देखिए रात के लिए होता है क्योंकि रात में कई बार क्या होता है कि हम सो जाते हैं अगर रात में बच्चा सुसू कर कर रहा है तो 12 घंटे तक 12 घंटे में वो कितनी बार दो या तीन बार सुसु करेगा मे बी या चार बार करेगा तो वो उतना सुसु जो है वो डायपर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है ऐसा क्लेम करती है कंपनी बट आपको वेट नहीं करना है कि बारह घंटे तक अभी मैंने पहना दिया आठ बजे रात को पहनाया अगले दिन आठ बजे उतारूंगी ऐसा नहीं करना है आपको कोशिश यही करनी है कि कम से कम टाइम तक के लिए मतलब जैसे पाँच छः घंटे तक आपने डायपर पहना दिया डैट्स एनअ मतलब रात में आपने दस बजे किया सुबह आठ बजे चेंज कर दिया सात बजे जब भी बच्चा उठा तब आपने चेंज कर दिया आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उसमें मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है बट आपको एग्जैक्टली exactly वो फॉलो नहीं करना है अच्छा ये चार घंटे वाला क्या सीन है या फिर कब चेंज करे वो एक मुद्दा है तो देखिए जो डायपर है वो सूसु को एब्जॉर्ब कर देता है और स्किन ऊपर से ड्राई बनी रहती है तो बच्चे दो या तीन सूसु चार ससु जो भी करता है वो मैक्सिमम तीन से चार घंटे में कर देता है उसके बाद जो भी वो ससु करता है ना तो डायपर जो है वो है, आ, हैवी हो जाता है या फिर यू नो ऊपर से गीला हो जाता है फिर बच्चे टू बच्चे पर भी डिपेंड करता है किसी का बच्चा थोड़ी थोड़ी सूसु करता है किसी का ज़्यादा ज़्यादा ससू करता है कि, कि, कि कोई कोई बच्चे होते हैं जो पॉटी ज़्यादा करते हैं कोई कोई बच्चे सूसु ज़्यादा करते हैं पॉटी कम करते हैं तो वो सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बट एक्चुअली मैं आपको डायपर चेंज कर न, आ, करने के लिए दो क्राइटेरियाज़ देखने होंगे एक कि आपका बच्चे ने डायपर मतलब डायपर जो है ना वो फुल हो जाता है आपको देख के लगे जब आप उसे पहनाओगे फ्रेश और जब वो फुल हो जाएगा तो चारों तरफ से आ, मतलब हैवी हो जाएगा और उसके थाइज़ एरिया के पास हल्का सा वॉट्रेश या एक नमी जैसी आपको महसूस होगी इट मीनस कि डायपर ओवरफ्लो हो रहा है अब आपको चेंज करना है जो कि नॉर्मली अगर सिर्फ बच्चा सुसु कर रहा है तो वो आपका चार घंटे पाँच घंटे के आसपास हो जाता है वो आप ख़ुद जब पहनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने ड्यूरेशन में बच्चा जो मेरा सुसु करता है ये डायपर ओवरफ्लो हो जाता है तो बेसिकली नमी नहीं होनी चाहिए स्किन पर वो आपको देखना है तो आपको चेंज नहीं करना है जब तक कि डायपर ओवरफ्लो ना हो रहा हो तो चार से छः घंटे के बीच में ऐसा हो जाता है उसके बाद अगर बच्चा आपने डायपर पहनाया एक घंटे बाद ही अगर वो पॉटी या पूप कर देता है तो आपको इमिडिएटली डायपर चेंज कर देना है क्योंकि डायपर जो है ना वो सूसु पानी तो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है बट जो पूप है पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करता वो स्किन पे बने रहते हैं और उनमें जर्म्स बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं जो बच्चे के स्किन में रैशेज़ क्रिएट करते हैं और उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं दे सकते नहीं देंगे ही तो पॉटी अगर वो कर देता है तो आपको इमीडिएटली डायपर चेंज करना है चाहे फिर वो चार पाँच घंटे बाद करे चाहे फिर वो आधे घंटे बाद ही क्यों ना कर दे कई बार ऐसा होता है कि डायपर पहनाए और बच्चे ने तुरंत ही पॉटी कर दी और नया का नया डायपर फेंकना पड़ता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है यार कोरा कोरा डायपर फेंकना पड़ रहा है बट फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि पॉटी में बच्चा नहीं रह सकता जब वो सूसू करता है ना तो सूसू डायपर जो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर से पूरा ड्राई बना रहता है तो डायपर चेंज करने का जो चार घंटे वाली कहानी है वो तब है जब आपके बच्चे के सूसू ओवरफ्लू हो ओवरफ्लो हो रहा हो तो चार से छह घंटे के बीच में नॉर्मली ऐसा होता है एंड अगर वो पॉटी कर लेता है तो आपको इमीडिएट चेंज करना है और बारह घंटे वाली जो कहानी है वो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर आप रात में बच्चे को डायपर पहना के सुलाते हो तो रात में आपको उठना नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप कैपेसिटी नहीं होगी इस डायपर की तो रात में बच्चे ने अगर सुसु किया तो वो गीला हो जाएगा और फिर उसकी स्किन खराब होगी आपको उठ के चेंज करना पड़ सकता है तो ऐसा नहीं होगा इसलिए वो क्लेम करते हैं कि 12 घंटे नॉर्मली 12 घंटे तक तो बच्चा इतना सोता नहीं है बीच में वो उठ ही जाता है दस घंटे तक में भी सोता है तो आप उस हिसाब से आई थिंक आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि बारह घंटे का क्लेम क्या है चार घंटे में चेंज करने का मतलब क्या है और किस फ्रीक्वेंसी से कब कब आपको डायपर चेंज करने होते हैं तो <laughs> सॉरी तो एक दिन के अंदर जो बच्चों का एवरेज डायपर लगता है जब वो तीन महीने के आसपास के हो जाते हैं चार से पांच डायपर्स एटलीस्ट लग जाते हैं जब वो तीन महीने प्लस के होते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आपके डायपर की फ्रीक्वेंसी कम होती है बीच बीच में उनको बिना डायपर के भी रख सकते हैं तो उस हिसाब से मैं एक और क्वेश्चन जो सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा डायपर यूज़ करती हूँ तो ये देखिए पीछे रखा हुआ है मैं यही वाला पैम्पर्स का सिंपल वाला डायपर यूज़ करती हूँ और ये भी बारह घंटे का जो क्लेम है आई डोंट नो ये क्लेम करता है कि नहीं बट मैं सिर्फ रात में पहनाती हूँ तो अगले दिन सुबह तक सही रहता है सुबह फिर जब वो उठता है तो मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ तो रात भर कोई दिक्कत नहीं आती है अगर बच्चे का डायपर गीला होगा तो बच्चे की नींद टूटेगी टूटेगी तो वो कभी नहीं होता है तो इट मीन्स कि आर एफ के लिए मैंने ये यूज़ किया था यश के लिए भी यही यूज़ करी और ये काफ़ी अच्छा काम करता है बाकी आप प्रीमियम वर्जनस पर भी जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के पैम्पर्स है हगीज़ है ममा अर्थ है एंड और भी दो तीन हैं तो वो सारी चीज़ों के मैं लिंक आपको दे दूंगी अगर आपको मैंने वो भी ट्राई किए हुए हैं बट फाइनली मैं इस पर सेटल हुई हूँ जैसे मेरे पास ये प्रीमियम वाला भी है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो ये भी अच्छे रहते हैं आप कितना पॉकेट आपके पास है उस पर भी डिपेंड करता है एनी anyway, सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बेबी केयर नाम से लिंक है चेकआउट कर सकते हो और मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए फिर भी अगर आपका डायपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक like, शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एंड यस, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए एंड मेरा ब्लॉग चैनल वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर